हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, गांव की तरफ अपने। तो पैकिंग चल रही है और दिखाता हूँ आपको फटाफट क्या कर रहे हैं सब लोग। मैंने तो अभी कुछ भी नहीं पैक किया, मेरा तो सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं भी करता हूँ पैकिंग स्टार्ट अपनी। ये हाँ, इनकी पैकिंग चल रही है। शोभित अपना स्कूल बैग पैक कर रहा है, पढ़ना तो इसने है नहीं। दो तो डाल दी, अब कितनी चाहिए? दो हैं। एक बैग ये रेडी है, एक ये है, ओ मामा। एक ये है। तो चलिए फटाफट से मैं भी अपना बैग पैक कर लेता हूँ और फिर फटाफट रेडी होते हैं। नाश्ते का क्या है? नाश्ते का क्या बोलते हैं, आटा है गूंदा हुआ, हाँ पराठा बना देती हूँ। अच्छा, मैं सोचा था मोगा में खाएंगे। मोगा तो लंच करेंगे, मोगा ओके। तो खा लेंगे, थोड़ा सा दो दो पराठे। अयो, नहा लिया तूने? नहीं, ये घर में खेले बैडमिंटन खेल रहा है। नहीं रहा। क्यों नहीं नहा रहा? डरा हो रहा है। सारे तो तैयार हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुका हूँ। और पीछे ये यहाँ इसलिए चढ़ी है, यहाँ से ये यहाँ शीशे में। तो बाकी देखते हैं बाहर क्या चल रहा है। ये पैकिंग हो गई है, यहाँ पे ये आया हुआ है अर्पण। ये आपने मेरी जो गांव वाली वीडियो देखी होगी ना, तो इसकी के घर गया था। और ये शोभित रेडी है, नीचे गाड़ी साफ हो रही है। तो फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद ही सीधा निकलते हैं। किचन के हाल हैं, अभी पराठे बन रहे हैं। ये यहाँ पराठे बन रहे हैं और ये नीम के पत्ते हैं। तो चलते हैं नाश्ता करते हैं फटाफट। तो गाइस, सब रेडी हो चुके हैं और सारा सामान गाड़ी में रख लिया, अब बस निकल रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया, 10 बजे निकलने का प्लान था, 11 बज गए, 1 घंटा लेट। कोई नहीं, चलते हैं। रास्ते में जैसे जैसे मौका मिलेगा शूट करूँगा, क्योंकि जिया जी गाड़ी चलाते हुए फ़ोन नहीं पकड़ने देते, चिल्लाते हैं। पापा और मामा आगे बैठे, मैं और मम्मा पीछे बैठे। और ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट मोंगा। हाँ, अभी मेरा फेवरेट होटल एक रेस्टोरेंट है तो मोंगा है, वहीं जा रहे हैं हम लोग लंच करने के लिए, फिर निकलेंगे आगे। मोंगा पंजाबी ढाबा उसका नाम है। वो आगे वो देखो, सामने उसके पोस्टर लग रखे हैं आने वाले क्या। हाँ, वो आने वाले हैं, तो पहले वहाँ रुकेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रुके हैं खाने के लिए, फटाफट खाना वाना खाते हैं फिर निकलते हैं। कुछ निकालना तो नहीं है ना गाड़ी से? तो ये शोभित के कहने पे ही हम लोग यहाँ पर रुके होते हैं। ये साथ में जा रहा है यहाँ पे हाईवे और रोड के उस साइड, यहाँ पे हवेली, वो भी अच्छा रेस्टोरेंट है। तो लंच करते हैं, अंदर जाके लंच ऑर्डर करते हैं फिर चलते हैं।
खाने के लिए बेताब बैठा हुआ है। तो गाइस लंच तो हो चुका है, चलते हैं अब। क्या हो रहा है? हाँ भाई बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है? फिर आपकी पसंद के गाने लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग रामपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जाम लग चुका है बहुत ही खतरनाक वाला। गाइस हम लोग रुद्रपुर पहुंचने वाले हैं। अभी रास्ते में थोड़ा सा शोभित की तबीयत खराब हो रही थी, उसको वॉमिटिंग हो रही है तो तभी रुके हुए हैं। और एक बार ही मैं आपको व्यू चेक करा देता हूं, मेरे पीछे आप देख लो व्यू कैसा आ रहा है। और अब तो हाईवेज भी अच्छे बन गए हैं तो बहुत है घर आने में। ये रोड है यहाँ का, काफ़ी मस्त रोड है। और ये व्यू है यहाँ का, एकदम पूरी ग्रीनरी। तो अभी निकलते हैं, थोड़ा सा शोभित की तबीयत खराब हो रही थी इस वजह से रुक गए। तो गाइस रोड अभी इतने अच्छे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। आप मेरे पीछे देख सकते हो क्या भागते हुए जा रही गाड़ियाँ। तो थैंक यू नितिन गडकरी जी, काफ़ी अच्छे हाईवेज बना दिए आपने। पहाड़ों में भी अब मज़ा आता है ड्राइव करने में। यहाँ पर पीछे गुड़ बन रहा है और हम यहाँ से गुड़ ले रहे हैं। तो भाई यहाँ से हम लोग अभी गुड़ ले रहे हैं, घर से मंगाया हुआ था, गुड़ लेते हैं और फिर चलते हैं। अभी दो घंटे में, डेढ़ घंटे में पहुँच जाएंगे घर। गाड़ी तो खड़ी है उस साइड, रोड क्रॉस करके चलते हैं। रोड पूरा क्लियर है, यहाँ से बहुत तेज गाड़ियाँ आ रही हैं। गाइस फाइनली हम लोग शोभित के घर पहुँच गए। ये रहे शोभित, कैसा लग रहा? तो अभी हम लोग शोभित के घर पर पहुँच गए। ये रहा शोभित, कैसे कैसे रहे जर्नी? वॉमिटिंग कर रहा था पूरे रास्ते। एक बार तो कैमरे से आगे हाथ आ रहा। तो गाइस इतनी लंबी जर्नी के बाद मैं अभी खटीमा पहुंच गया था ताईजी लोगों के घर। तो इतनी ज़्यादा थकान लगी थी, अभी डिनर वगैरह तो कर लिया, बस अभी सोते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी रात के बज गए हैं 11:30 और इस वीडियो को भी करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।